हेलो फ्रेंड्स, आज एक और एनिवर्सरी का केक डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये जो केक है, एक्चुअली जो डेकोरेशन करते हैं जो कस्टमर ने मुझे दिखाया है, वो एक्चुअली वेलवेट केक का था। उसमें क्रम कोट्स जो है वो लगाया था, लेकिन मैंने जो बनाया है ये बटर स्कॉच का फ्लेवर है। तो इसमें ना मैं वेलवेट का नहीं लगाऊंगी, ये रेड कलर का मैं यूज़ करूंगी। और जो हाफ जो डिज़ाइन है ये रहेगा वाइट कलर, और हाफ डिज़ाइन ये रहेगा रेड कलर। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं लगाऊंगी रोजेट, एंड कैसे कैसे मतलब यूज़ करते हैं वो आप देख लीजिए। और ये जो केक है ये 1 kg का केक है, बटरस्कॉच फ्लेवर का। तो कैसे डिज़ाइन करते हैं आप सभी देखिए। ये ऐसा जो केक आता है ना, इसमें थोड़ा मेहनत रहता है, क्योंकि आधा एक दूसरा कलर और आधा एक दूसरा मतलब एक अलग सा कलर, तो इसलिए स्मूथनिंग का थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है वो अच्छे से स्मूथनिंग हो जाए और अच्छे से डिज़ाइन आ जाए। तो मैंने इसी तरह से डिज़ाइन बनाया है। और ये जो रेड कलर यूज़ किया है ये मैजिक जेल है, जेल कलर है। इसमें मैंने डाला है दो तीन चार ड्रॉप्स डाला है, तभी ये कलर आया है। एक्चुअली जो एकदम रेड वाला होता है ना, वो लाने के लिए बहुत सारा मिक्सचर मतलब इसमें डालना होता है, पाउडर डालो दूसरा और कंपनी का, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैंने कस्टमर को समझाया है कि ज़्यादा मतलब जो रेड वाला होता है वो यूज़ नहीं होना चाहिए, मतलब कम कलर यूज़ करें वो आपके लिए और बेटर है। मैंने इसमें जो वाइट कलर की जो रोजेट बनाया है उसके ऊपर होसफुस वाला, वो मैंने रेड कलर का लगाया है। और जो नीचे का है इसमें रोज़ नहीं चिपकेगा, तो इसलिए मैंने एक स्टार नोजल लिया है, इसकी मदद से मैंने रोजेट बनाया। रोजेट बनाने के बाद एक मॉडल शेप का वो दिया है, फिर इसमें पत्ता भी लगाऊंगी तो, और थोड़ा सा स्प्रिंकल भी कर देंगे। इसका लुक जो है वो एकदम रिच लुक आएगा। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है, कैसे लगा फ्रेंड्स? और मैंने ना इसमें थोड़ा सा फोंडेंट यूज़ किया, क्योंकि जो स्टाइल है ना लिखने का हैप्पी एनिवर्सरी, वो फोंडेंट में ही लिखा था और मेरा पास भी फोंडेंट था, तो मैंने यूज़ कर लिया। और कैसे लगा फ्रेंड्स? अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स? क्योंकि आप लोग का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरा वाला जो चैनल है ये मैंने नया ही खोला है, तो आप लोग के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं है इसीलिए। और मेरा जो चैनल है इसमें मैं कोशिश करूंगी एकदम नया नया डिज़ाइन लेके आए और आप सभी को दिखाए कि किस तरह से बर्थडे केक और एनिवर्सरी की केक कैसे बनाया जाता है और किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, आप लोग सब देख पाएंगे। ये वाला चैनल मेरा जो स्माइली केक है, इसमें आप सब देख पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट और टाइम देने के लिए थैंक यू। बाय बाय।